ये सूत्र उपदेश का नाम है चूल राहुलोवाद सूत्र। चूल राहुलोवाद सूत्र क्या नाम है? चूल राहुलोवाद सूत्र। मतलब राहुल भांते जी को बताए गए छोटा सूत्र। चूल मतलब छोटा। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। उसी दिन तथागत भगवान बुद्ध एकांतवास में शांति से रहते समय उनका मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। किन का मन में? तथागत भगवान बुद्ध के मन में। ये राहुल भांते जी का मन विमुक्ति के लिए तैयार हो गया है। विमुक्ति के लिए राहुल भांते जी का मन फग गया। फग गया मतलब गुण धर्म से फग गया। कोई पेड़ है तो उस पेड़ छोटा में अगर काट दिया तो पेड़ बड़ा होने के पहले उसी लकड़ी से हम लोग पलंग कुर्सी बना पाएगा? पेड़ पकने के पहले काट दिया तो नहीं बना सकते है ना। धर्म में भी वैसे ही है। गुण धर्म से आदमी मजबूत होने के बाद विमुक्ति प्राप्त कर सकता है। गुणधर्म से मजबूत नहीं होने पर विमुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। गुणधर्म क्या है? सील सुरक्षा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान बुद्ध की ज्ञान सुन करके उसी ज्ञान के अनुसार मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए और मैत्री करना चाहिए, सहनशीलता चाहिए, हमेशा गंदगियां से मन को बचा के रखना चाहिए। लोभ राग क्रोध मोह डर भय अहंकार घमंड इत्यादि गंदगियां से मन को बचा के रखना चाहिए। बहुत समय तक ऐसा रहने के बाद मन धीरे 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 मजबूत होता है। आप लोग पहले भगवान बुद्ध के ज्ञान सुना नहीं, उस समय आप लोगों को मालूम नहीं था सत्य क्या है, संसार क्या है, सील क्या है, कुछ मालूम नहीं था। इसीलिए जैसे तैसे आप लोग जीवन बिताए थे। अभी धीरे धीरे आप लोग भगवान बुद्ध की ज्ञान सुन रहे हैं। पाप करने में डर लगता है, पाप करने में शर्म आता है। क्यों? क्योंकि आप लोग अभी धीरे धीरे मजबूत हो रहा है, पक रहा है धर्म पे। ये राहुल भांते जी 7 साल में चीवर पहन लिए थे। 7 साल में सोतापन्न हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से 19 साल में ये प्रवचन भगवान बुद्ध उनको दे रहे थे। इसका मतलब 12 साल तक राहुल भांते जी पक गया, यानी कि सील सुरक्षा करके, ध्यान करके, बड़े बड़े लोगों की इज्जत करके, आज्ञा पालन करके, बहुत सहनशीलता से मन को सुरक्षा करके रह गया। कितना साल तक? 12 साल तक। तब भगवान बुद्ध को उसी दिन मन में आ गया, अब तो राहुल का मन तैयार है किसके लिए? विमुक्ति के लिए। ऐसा है तो अभी
राहुल बंती जी का मन से सारे गंदगी संपूर्ण रूप से जिस प्रकार खत्म होता है, उसी प्रकार आज हम जा करके उसको उपदेश दे दूंगा। भगवान बुद्ध ऐसे सोचे। कैसे? जिस प्रकार वो राहुल बांते जी का मन से सारे गंदगी खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, यानी कि निर्वाण प्राप्त कर पाएगा मोक्ष, उसी प्रकार आज हम ज्ञान बता देंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन 12 साल तक तैयार हो गया। हम लोग भी याद रखना चाहिए एक बात, आज ज्ञान सुन के कल ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे नहीं, बहुत समय लगेगा। हम लोग क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी है तो, जल्दीबाजी है तो धर्म पे रहना चाहिए, सील तोड़ना नहीं चाहिए, हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है, चुगली नहीं करना है, गाली नहीं देना है, फालतू बकवास नहीं बोलना है, और गुस्सा को पालन करने के लिए मेहनत करना है, और राग को पालन करने के लिए मेहनत करना है, मिथ्या विश्वास पे नहीं जाना है, इसी प्रकार रहने पर सील सुरक्षा करना पड़ता है। फिर रोज रोज मन पवित्र करके रखने के लिए ध्यान करना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग रहेंगे तो धीरे 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 ये मन मजबूत होते जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे मजबूत होता है? हम लोगों का मन गंदा है, शुद्ध नहीं है, किसी का भी मन शुद्ध नहीं है। अगर मन शुद्ध है तो फिर ज्ञान का क्या जरूरत? पवित्र नहीं है किसी का मन, हमेशा मन में गुस्सा आ सकता है, लोभ उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, डर है, भय है, अहंकार घमंड है, गंदगी है। इसीलिए हम लोगों को भगवान बुद्ध की ज्ञान की जरूरत है। बाकी सारे धर्म का पूजा वगैरह के लिए बुद्धि का जरूरत नहीं है। आप लोग जा करके कोई चर्चा, यज्ञ, हवन, वैसा पूजा वूजा, बेलपत्ता चढ़ाने के लिए, चर्चा करने के लिए, मुस्लिम लोग का नमाज पढ़ने के लिए, नौमी के लिए, ऐसा बाकी धर्म का कुछ भी पूजा के लिए बुद्धि चाहिए क्या? नहीं। बच्चों को भी जाके कर सकता है, कोई पागल आदमी को भी जाके कर सकता है, ऐसे करो बस बोलना है। भगवान बुद्ध के धर्म पे ऐसा नहीं, बुद्धि चाहिए। ये गहरी बात को समझने के लिए वो आदमी दिमाग वाला होना चाहिए। शायद वो दिमाग वाला आदमी भिखारी हो सकता है, शायद वो दिमाग वाला आदमी कहीं झोपड़ी में रहता होगा, शायद वो 7-8 साल का बच्चा होगा, शायद बूढ़ा होगा, लेकिन दिमाग है तो पकड़ सकता है। वर्तमान में लोग दिमाग माना जाता है, कैसे? पढ़ाई किया तो बहुत बुद्धि है, आगे तक पढ़ाई किया। भगवान बुद्ध बताए वो बुद्धि नहीं है, वो किसी को भी कर सकता है। असली बुद्धिमान चाहे वो पढ़ाई किया या नहीं, उसका कोई फर्क नहीं है, शायद बुद्धिमान ही है लेकिन किताब पढ़ने नहीं आता है, लेकिन दिमाग है ज्ञान को समझने का, वो बुद्धि है तो, दिमाग है तो भगवान बुद्ध की धर्म समझ सकता है। अभी देखिए कितना गहरी बात बोल रहे हैं भगवान बुद्ध। देखिए, उसी दिन भगवान बुद्ध ऐसे सोचकर चीवर लेकर के
शाम में राहुल बंती जी के पास भगवान बुद्ध आया। आने के बाद राहुल बंती जी को बताया, राहुल वो आसन ले लीजिए, बैठने में बैठने के लिए हम लोग कुछ बिछाता है ना, वो आसन ले लीजिए राहुल, हम लोग चलेंगे आराम करने के लिए अंधवन में। एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल, उसी जंगल का नाम था अंधवन। चलिए राहुल अंधवन में। राहुल बंती जी बताए, जी तथागत, चलिए। भगवान बुद्ध के पीछे पीछे राहुल बंती जी भी गया। उसी समय राहुल बंती जी भगवान बुद्ध के पीछे पीछे जाते समय देवताओं ये देख लिया। कितना देवताओं? हजारों हजार देवताओं, यानी कम से कम 50,000 देवता देख लिया। देवताओं को दूसरों का मन देख सकता है ना, भगवान बुद्ध की मन भी देख लिया, सुन लिया बात। देवताओं बात कर रहे हैं मिलके, देखो देखो आज तथागत भगवान बुद्ध छोटा राहुल भंते जी को दुख से मुक्त होने के लिए ज्ञान बता देंगे। आज पक्का उनका मन से सारे गंदगी को मिटा देंगे। हम लोग भी चली, आज हम लोग भी तथागत भगवान बुद्ध की ज्ञान सुनेंगे, हम लोग का भी फायदा होगा। क्यों? बहुत गहरी बात आज बोलने जा रहे हैं भगवान बुद्ध। ऐसे करके भगवान बुद्ध अंधवन जंगल के अंदर तक गए। जा करके एक पेड़ के नीचे आसन बिछा के बैठ गया। राहुल भंते जी भी भगवान बुद्ध के सामने आसन बिछा के बैठ गया। सारे देवताओं चारों तरफ पूरा घेर लिया, घेर के अभी सुन, देवताओं भी हाथ जोड़ के सुनने के लिए तैयार ज्ञान। भगवान बुद्ध राहुल भंते जी को ये बात बताया, राहुल आप क्या सोचते हैं, ये आंख नित्य है या अनित्य है? नित्य का मतलब क्या है? सदाकालिक है। अनित्य का मतलब हर पल पल में बदल रहा है। तो तथागत ने पूछा, ये आंख नित्य है या अनित्य है? तथागत, ये आंख अनित्य है, नित्य नहीं है। राहुल, जो कोई नित्य है, जो कुछ अनित्य है, बदल रहा है, उसी से सुख मिलता है या दुख मिलता है? बदलने से क्या मिलता है? दुख मिलता है। देखिए, आप लोग का जवानी था, खत्म हो रहा है, सुख मिलता है क्या? नहीं। आप लोग का घर द्वार परिवार सब बदल रहा है ना, बदलने के कारण दुख मिलता है, अनित्य होने के कारण दुख मिलता है। नित्य हो गया तो कोई दुख है? कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं, लेकिन अनित्य है। इसके बाद राहुल बंते जी बताया, तथागत जो कुछ अनित्य है वो दुख है। राहुल, भगवान बुद्ध ने बताया, राहुल जो कुछ अनित्य है तो दुख है, तो हर पल पल में वो सब कुछ बदल रहा है, तो वो सब अपना वास में कर सकता है क्या? ये मेरा है, मैं हूं, मेरा आत्मा है,
अपना वास में नहीं कर सकता है। ये आंख बदलते रहते समय अभी आपको धीरे धीरे आंख दिखाई नहीं देता है, देता है। अगर ये आप ये आंख आपका है तो आप कहना चाहिए आंख देखना चाहिए, अभी मानेगा आंख नहीं मानता है। अपना वास में है क्या आंख? अगर ये आंख मेरा है तो मेरा बात मानना चाहिए, मेरा बात सुनता नहीं है। जन्म लिया फिर मर रहा है, इसके बाद बताया पूछा ऐसा है तो राहुल ये कुछ भी अपना वश में कर सकता है कि नहीं? तथागत नहीं कर सकता है। इसके बाद पूछा राहुल आप क्या सोचता है? आंख से देखने वाले रूप है, ये मंदिर मूर्ति दीवार लोगों का रूप घर द्वार दुनिया ये सब कुछ आंख से देख रहा है ना रूप? भगवान पूछ रहे थे राहुल आंख से देखने वाले रूप नित्य है या अनित्य है? तथागत आंख से जो कुछ रूप दिखाई देता है सब अनित्य है। देखिए मगध का एक राजा था बिंबिसार, बहुत बड़ा मंदिर बना दिया राजगीर में, महल पूरा भारत का सबसे बड़ा महल अभी है क्या? हीरा मणि से बनाया है ना, अभी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा राजा सम्राट अशोक सुने हैं? पटना में अपना बहुत बड़ा मन में राज महल बना दिया, दीवार भी नहीं है अभी। देखिए कितना नित्य हो गया है, कम से कम लाखों एकड़ जमीन ने अपना में राज महल बना दिया, कुछ नहीं है अभी। आप लोगों का घर द्वार कुछ समय तक रहेगा, आपको ये दोनों आंखों में कुछ दिखाई देता है ना हमेशा, रास्ता पे जाते समय घर पे रहते समय जो कुछ दिखता है ना सब अनित्य है, कुछ भी सदाकालिक नहीं है। तो भगवान बुद्ध बताया तेरी रूप अनित्य है, जो रूप अनित्य है वो अनित्य होने के कारण सुख मिलता है या दुख मिलता है? भगवान रूप अनित्य होने के कारण दुख मिलता है। जो कुछ अनित्य रूप अनित्य है तो दुख है तो हमेशा बदल रहा है तो वो सारे रूप अपना वश में कर सकता है क्या? नहीं। ये मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, कर सकता है? नहीं। ये मेरा घर हमेशा एकदम ऐसे ही रहना चाहिए, रहेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। आंख से देखने वाले कोई भी रूप अपना वास में नहीं कर सकता है। इसके बाद पूछा राहुल आंख से रूप देखने के लिए एक चीज चाहिए, विज्ञान कहता है आपको ये देखने के लिए आंख चाहिए, ये रूप चाहिए और विज्ञान चाहिए, मन के साथ है विज्ञान। कभी कभी आप ऐसे सोच के रहता है मन दूसरा जगह पे है तो सामने से कोई चिड़िया उड़ गया दिखाई देगा? नहीं है। लेकिन रूप भी है आंख भी है लेकिन विज्ञान नहीं है। विज्ञान चाहिए रूप देखने के लिए। कभी कभी कोई कोई लोग आंख खोल के सोता है फिर सोने के बाद कुछ दिखाई देता है? नहीं। लेकिन आंख भी है रूप भी है लेकिन विज्ञान नहीं है वहां पे।
वो रूप आंख में उत्पन्न होने वाले विज्ञान नित्य है या अनित्य है? राहुल बंते जी बताया, भगवान वो आंख में उत्पन्न होने वाले विज्ञान अनित्य है। वो विज्ञान अनित्य होने के कारण दुख है या सुख है? वो विज्ञान भगवान दुख है। ऐसा है तो वो विज्ञान अनित्य है तो दुख है, तो हर पल पल में हर क्षण क्षण में बदलते रह गया तो विज्ञान वो अपना वश में कर सकता है क्या? नहीं। इसके बाद पूछा, राहुल आप क्या सोचता है, रूप देखने के लिए स्पर्श होना चाहिए क्या? तीन चीज स्पर्श, स्पर्श मतलब मिलना चाहिए, तीन चीज रूप देखने के लिए क्या है? आंख, रूप और विज्ञान, ये तीन मिलना चाहिए ना, उसको स्पर्श कहता है। आंख, रूप, विज्ञान तीन नहीं मिल गया तो रूप देख पाएगा? नहीं। भगवान ने पूछा, ये आंख, रूप, विज्ञान तीनों मिलना स्पर्श नित्य है या अनित्य है? हम लोग ये रूप देखते समय हमेशा देखते रहते रह जाएगा, तुरंत बदल जाता है ना। ऐसा है तो आंख का स्पर्श अनित्य है। जो अनित्य है वो दुख है या सुख है? दुख है। जो अनित्य है, दुख है, हर पल में बदल रहा है, वो अपना वश में कर सकता है क्या? ये स्पर्श यानी कि हमेशा ये रूप हम देखते ही रहेंगे, ऐसा सोच सकता है क्या? नहीं हो सकता है, अपना वश में स्पर्श नहीं कर सकता है। इसके बाद पूछा, राहुल आंख का स्पर्श के कारण यानी कि आंख से रूप देखने के कारण तीन चीज उत्पन्न होता है, अगर खुशी उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है या उपेक्षा, उपेक्षा मतलब सुख भी नहीं दुख भी नहीं, ये तीनों में से कुछ भी आता है ना, आप अगर ये देख लिया तो या तो फिर आपको खुशी आ गया या तो फिर दुख आ गया या तो फिर सुख भी नहीं दुख भी नहीं, तीनों में से एक हुआ है ना, हाँ उसको वेदना कहता है। वेदना उत्पन्न होता है स्पर्श होने के कारण, स्पर्श मतलब आंख, रूप, विज्ञान का मिलन। ये स्पर्श होने के कारण उत्पन्न होने वाले वेदना नित्य है या अनित्य है? कुछ देखने के बाद खुशी आता है, हमेशा खुशी रहता है, तुरंत बदल जाता है। ऐसा है तो वेदना अनित्य है, अनित्य होने वाले रूप वेदना अनित्य होने के कारण दुख है या सुख है? दुख है। अगर वो रूप देखने के कारण उत्पन्न होने वाले सुख या दुख या उपेक्षा वेदना अपना वश में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, बदल रहा है। इसके बाद पूछा, राहुल क्या आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये कान नित्य है या अनित्य है? इसके बाद भगवान बुद्ध ने पूछा, रूप देखने के कारण वेदना उत्पन्न होता है, इसका रूप को पहचानता है, इसका तो उसी रूप के बारे में मनन करता है, सोचता है ना देखने के बाद, वो सब कुछ नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। वो दुख है या सुख है? दुख है। रूप देखने के बाद वेदना उत्पन्न होता है, रूप को पहचानता है, संज्ञा कहता है,
इसका रूप के बारे में सोचता है वो सब कुछ अपना वश में कर सकता है क्या? बदल रहा है। इसके बाद भगवान बुद्ध पूछा, राहुल ये कान नित्य है या अनित्य है? ये कान नित्य है क्या? अनित्य है। ये कान अनित्य है तो दुख मिलता है सुख मिलता है? दुख मिलता है। कान अनित्य है तो दुख है, तो ये कान ऐसे हो ऐसे ना हो ऐसा अपना वश में कर सकता है क्या? अरे मेरा कान अच्छा से ठीक हो जाओ, मानेगा कान? ये कान अपना वश में नहीं कर सकता है, अनित्य है, अनात्म है। इसके बाद कान पे सुनाई देता है आवाज, कई प्रकार की आवाज सुनाई देता है ना, चिड़िया का आवाज, जानवरों का आवाज, गाड़ी का आवाज, हवा का आवाज, पेड़ पौधा का आवाज, कोई डांटने वाला आवाज, गाना का आवाज, कई प्रकार की आवाज सुनाई देता है। वो सारे आवाज नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, हमेशा बदल रहा है ना। देखिए आप लोग आज तक अपना जीवन कितना आवाज सुना है, गिन नहीं सकता है ना। अभी है क्या कुछ भी आवाज? खत्म हो गया, सुन लिया खत्म हो गया। प्रॉब्लम क्या है, आवाज सुनने के बाद हम लोग आवाज खत्म होता है लेकिन आवाज का याद रखता है। कैसे? वो मुझे डांटा, आवाज को पकड़ लिया, वो मुझे गाली दिया, आवाज को पकड़ लिया, वो गाना बहुत सुंदर है, आवाज को पकड़ लिया, वो चिड़िया का आवाज सुंदर है, आवाज पकड़ लिया। आवाज खत्म हो गया लेकिन याद है, याद रख दिया अपना पास। इसीलिए हम लोग दुख सहन करते हैं। संत लोग ऐसा नहीं करता है, आवाज पकड़ता नहीं है, सुन लिया तो सुन लिया, उससे आगे नहीं। कोई गाली दिया तब भी उन संत लोग के लिए सिर्फ वो आवाज है, उससे आगे कुछ नहीं। देखिए कितना सुंदर है ना। तो आवाज अनित्य है, आवाज अनित्य होने के कारण दुख के सुख मिलता है, दुख मिलता है। आवाज अनित्य है तो दुख है, तो आवाज हमेशा बदलते रह गया तो वो आवाज अपन वश में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वो आवाज मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरी आत्मा नहीं। इसके बाद कान में बैठ जाता है विज्ञान। आप विज्ञान के बारे में जानते हैं, विज्ञान मतलब आवाज को पहचानने के लिए बैठने वाले विज्ञान कहते हैं उसको। उसी विज्ञान, देखिए आप सोते समय कोई गाना सुनाई दिया तो सुनाई देगा सोने के बाद? क्यों? विज्ञान नहीं है, कान भी है आवाज भी है, विज्ञान चाहिए आवाज सुनने के लिए। कान पे उत्पन्न होने वाले विज्ञान नित्य है या अनित्य है? वो भी बदलते रहता है, अनित्य है। वो विज्ञान दुख है या सुख है? दुख है। जो कान में बैठने वाले विज्ञान अनित्य है तो दुख है तो पल पल बदल रहा है, तो वो विज्ञान ऐसे हो ऐसे ना हो ऐसा करके अपना वास में कर सकता है क्या? नहीं, अनात्म है। इसके बाद ये कान का स्पर्श होता है। स्पर्श मतलब कान, आवाज, विज्ञान, तीन का मिलन, तो आवाज सुनाई देता है। मेरा आवाज आपको सुनाई देता है कैसे? आपका कान है, मेरी निकलने वाली आवाज है और विज्ञान है। तुरंत आपको यहाँ नींद आ गया तो मेरा आवाज सुनाई देगा? नहीं। या तो फिर आप दूसरा कहीं मन चल जाएगा तुरंत, मेरा आवाज सुनाई नहीं देता है, ऐसा है। तो ये कान का स्पर्श नित्य है अनित्य है? अनित्य है। वो स्पर्श अनित्य होने के कारण दुख है या सुख है? दुख है। कान का स्पर्श
अनित्य है तो दुख है तो अपना वास में कर सकता है क्या? कान का स्पर्श ऐसे हो ऐसे ना हो करके नहीं कर सकता है। कान का स्पर्श के कारण वेदना उत्पन्न होता है, सुख मिलता है, आवाज आने के बाद दुख मिलता है या उपेक्षा, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, या तो फिर इसके बाद उसी आवाज को पहचानता है, या तो फिर इसके बाद उसी आवाज को पहचानने के बाद उसी आवाज के बारे में सोचता है, इसके बाद उसी आवाज में मन बैठ जाता है। ये सब नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। ये सब अनित्य है तो दुख है या सुख है? दुख है। ये सब दुख है तो अनित्य है तो वो सब आवाज सुनने के बाद उत्पन्न होने वाले सुख दुख उपेक्षा वेदना, आवाज का पहचान, आवाज के बारे में सोचना, आवाज पे मन बैठ जाना, ये सब अपना वास में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कान नाक के बारे में, ये नाक नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। ये नाक अनित्य है तो दुख है या सुख है? दुख है। ये नाक अनित्य है तो दुख है तो ये नाक अपना वास में कर सकता है क्या? ये नाक ऐसे हो ऐसे ना हो करके नहीं कर सकता है। इसके बाद ये नाक, नाक पे आने वाली गंध है, कोई सुगंध आएगा या गमक आएगा, वो आने वाले सारे गंध नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। अभी तक आप लोग कितना सुगंध मिल गया, कितना गमक आ गया, खत्म हो गया ना, और अभी आते रहेगा, वो भी खत्म होते जाएगा। नाक पे आने वाले सारे गंध अनित्य है। ये गंध अनित्य है तो दुख है या सुख है? दुख है। गंध अनित्य है तो दुख है तो वो गंध ऐसा हो ऐसा ना हो ऐसे करके गंध अपना वास में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, अनात्म है। फिर नाक और गंध, नाक में बैठने वाली विज्ञान, गंध को पहचान के लिए विज्ञान चाहिए, उसी विज्ञान नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। ये विज्ञान अनित्य है तो दुख है या सुख है? दुख है। ये विज्ञान अनित्य है तो दुख है तो नाक का विज्ञान अपना वास में कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये नाक पे, नाक और गंध और विज्ञान तीन मिलने के बाद उसको कहता है स्पर्श। ये स्पर्श नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। स्पर्श अनित्य है तो वो दुख है। अनित्य है तो दुख है तो ये स्पर्श नाक का वो स्पर्श अपना वास में कर सकता है? नहीं कर सकता है, अनात्म है। नाक का स्पर्श से वेदना उत्पन्न होता है, सुख मिलता है दुख मिलता है या उपेक्षा, इसके बाद उसी वेदना को पहचानता है, गंध को पहचानता है, ये लगता है चमेली का गंध है, लगता है कोई पेकाना का गमक है, ऐसे करके गंध पहचानता है। इसका तो उसके बारे में सोचता है कहां से आया, कहां से ये गंध आ गया, ऐसे गंध के बारे में सोचता है। इसके बाद उस पे मन बैठ जाता है। ये सब भी नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। अनित्य है तो वो सुख है या दुख है? दुख है। ये गंध अनित्य है तो दुख है तो वो गंध ऐसे हो, ये गंध के कारण उत्पन्न होने वाली वेदना, पहचान, सोच,
अपन आवास में कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके बाद ये जीव है, ये जीव नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। ये जीव अनित्य होने के कारण दुख है या सुख है? दुख है। जीव अनित्य है तो दुख है, तो ये जीव अपना वास में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ये जीव ऐसा है तो जीव में मिलता है रस, स्वाद आता है ना जीव में, खाना खाते समय पीते समय जीव में आने वाले सारे स्वाद नित्य है या अनित्य है? अनित्य है, खत्म होता है। ये स्वाद अनित्य होने के कारण सुख है या दुख है? दुख है। ये स्वाद अनित्य है तो दुख है, तो स्वाद अपन आवास में कर सकता है? पकड़े के रह सकता है स्वाद? खत्म होता है, अनात्म है। इसके बाद स्वाद को पहचानने के लिए एक चीज चाहिए, विज्ञान। विज्ञान नहीं तो स्वाद पता चलेगा? नहीं। ऐसा है तो ना जीव में बैठने वाली विज्ञान भी नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। जीव का विज्ञान अनित्य है तो दुख है या सुख है? दुख है। जीव का विज्ञान अनित्य है तो दुख है, तो वो विज्ञान अपना वास में कर सकता है क्या? नहीं कर सकते, अनात्म है। जीव और रस और विज्ञान तीन चीज मिलने के कारण उसको स्पर्श कहता है। जीव का स्पर्श नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। हमेशा टेस्ट ला के रहेगा? नहीं। ऐसा है तो ये जीव का स्पर्श अनित्य है तो दुख है सुख है? दुख है। जीव का स्पर्श अनित्य है तो दुख है, तो ये स्पर्श अपना वास में कर सकता है? मेरा स्पर्श ऐसे हो ऐसे ना हो कह के? नहीं। ये जीव का स्पर्श से उत्पन्न होता है वेदना। कोई कोई खाना खाने से सुख मिलता है, कोई कोई चीज खाने से पीने से दुख मिलता है, कोई कोई चीज खाने से सुख भी नहीं दुख भी नहीं, ये वेदना। इसके बाद उसी स्वाद को पहचानता है, इसके बाद उसी स्वाद के बारे में सोचता है, ये क्या है, ये तो सब्जी में कम नमक है, ऐसा करके उसके बाद सोचता है ये तो आम खट्टा है। इसके बाद उसी स्वाद पे मन बैठ जाता है। ये सब नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। अनित्य है तो वो सुख है दुख है? दुख है। ये वेदना और स्वाद का पहचान, स्वाद के बारे में सोचना और स्वाद पे मन बैठ जाना, ये सब अपना वास में कर सकता है हमेशा के लिए? नहीं कर सकता है। इसके बाद उन्होंने बताया ये शरीर नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। ये शरीर अनित्य है तो ये शरीर अपना वास में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ऐसा है तो ये शरीर अनित्य होने के कारण सुख है दुख है? दुख है। ये शरीर अनित्य है तो दुख है, तो ये शरीर अपना वास में कर सकते? मेरा शरीर ऐसे हो ऐसे ना हो कह के अपना वास में नहीं कर सकता है। ऐसा है तो ये शरीर अनात्म है। शरीर पे मिलता है स्पर्श मिलता है ना, ऐसा करके महसूस मिलता है, कभी गर्मी कभी ठंडा, कभी मुलायम कभी कठोर, कभी बुखार कभी शरीर दर्द, कभी कोई मारता है तो, कभी कोई लग गया तो, कभी चोट लग जाता है, स्पर्श मिलता है ना। आप बैठ के रहते समय दर्द देता है पैर वगैरह, ये स्पर्श है शरीर का। ये स्पर्श भी नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। ये स्पर्श अनित्य होने के कारण क्या मिलता है? दुख मिलता है। शुरू में आप लोग बैठ गए आराम मिला,
आराम हमेशा के लिए है क्या? तुरंत बदल जाता है, इसके बाद दुख मिलता है। ये शरीर पे मिलने वाले स्पर्श महसूस अनित्य है तो दुख है तो वो अपना वास में कर सकता है क्या? नहीं कर सकते, अनात्म है। इसके बाद शरीर पे बैठ उत्पन्न होता है विज्ञान, शरीर का विज्ञान। अगर आपका मन आपका विज्ञान शरीर पे नहीं है तो आपको कोई दर्द है क्या? नहीं। आप सोने के बाद कोई आकर के ऐसे करके मार दिया, पता चलता है क्यों? आपका विज्ञान शरीर में नहीं है। आपको कोई आकर के पानी मार दिया तब भी कभी कभी पता नहीं चलता है, विज्ञान नहीं शरीर पे। तो ये शरीर का विज्ञान नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। शरीर का विज्ञान अनित्य है तो वो दुख है या सुख है? दुख है। शरीर का विज्ञान अनित्य है तो दुख है तो वो विज्ञान अपना वश में कर सकता है? नहीं कर सकता है, अनात्म है। इसके बाद ये शरीर का स्पर्श, स्पर्श मतलब शरीर स्पर्श और विज्ञान तीन का मिलन, मिलने से स्पर्श उत्पन्न होता है। वो स्पर्श भी अनित्य है, वो स्पर्श दुख है, वो स्पर्श भी अपना वास में नहीं कर सकता है। शरीर का स्पर्श से उत्पन्न होता है वेदना, सुख मिलता है या दुख मिलता है या उपेक्षा। इसके बाद उसी वेदना को पहचानता है ना, मेरा ये घाव है इसीलिए दुख है। इसके बाद उसी दर्द को पहचान के इसके बाद उस दर्द के बारे में सोचता है, घुटनी दुखता है, कोई दवा लगाना पड़ेगा, लगता है अभी मुश्किल है जाना आना। इसका तो उसी दर्द के बारे में सोचता है। ये सब नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। तो वो दुख है सुख है? दुख है। अनित्य है तो दुख है तो ये शरीर का सारे सोच पहचान दर्द अपना वास में कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके बाद अंतिम बात उन्होंने कहा, ये मन मन नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। मन अनित्य है तो दुख है या सुख है? दुख है। मन अनित्य है तो मन दुख है तो ये मन अपना वश में कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसके बाद मन में उत्पन्न होता है विचार, आता है ना बहुत 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 नदी जैसा, हमेशा मन में आते रहता है ना कुछ घर के बारे में, देश के बारे में, अलग 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 आदमी लोगों के बारे में, मंदिरों के बारे में, खाना के बारे में, प्यास के बारे में, भूखे के बारे में, बहुत सारे विचार आते रहता है ना। वो सारे विचार नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। मन में आने वाले सारे विचार दुख है या सुख है? दुख है। मन में आने वाले सारे विचार अनित्य है तो दुख है तो वो विचार अपना वश में कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसके बाद मन में उत्पन्न होता है विज्ञान, मनोविज्ञान कहता है। ये मन की विज्ञान नित्य है अनित्य है? अनित्य है। मन में उत्पन्न होने वाले विज्ञान सुख है या दुख है? वो भी दुख है। मन में उत्पन्न होने वाले विज्ञान ऐसा हो ऐसा ना हो करके अपना वास में कर सकता है? नहीं कर सकता है। मन और आने वाले विचार और विज्ञान तीन का मिलन, मन का स्पर्श नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। अनित्य है तो सुख है या दुख है? दुख है। मन का स्पर्श सुख है दुख है तो अनित्य है तो स्पर्श अपना वास में कर सकता है? नहीं कर सकता है, अनात्म है। मन का स्पर्श के कारण वेदना उत्पन्न होता है, सुख
या दुख या उपेक्षा। कोई कोई सोच आता है दुख मिलता है, कोई कोई विचार आता है सुख मिलता है, कोई कोई विचार आता है नॉर्मल, सुख भी नहीं दुख भी नहीं उपेक्षा। इसके बाद उसी विचार के बारे में सोचता है ना, उसी विचार के बारे में विचार को पहचानता है, वो भी अनित्य है ना। इसका तो उसी विचार के बारे में सोचता है, मनन करता है, वहां उधर जाना पड़े, वो करना पड़ेगा, आने वाले विचार के बारे में मनन करते रहता है। इसका तो उसी विचारों में मन बैठ जाता है, वो सब भी अनित्य है। अनित्य थे वो सब दुख है, वो सब अपना वश में कर सकता है विचार सब नहीं कर सकते, अनात्म है। देखिए हम लोग आंख से रूप देखते समय कान से आवाज नहीं सुन सकता है, कान से आवाज सुनते समय जीभ से स्वाद पता नहीं चलता है, उस समय शरीर का स्पर्श पता नहीं चलता है। ये छह इंद्रिया के बारे में हम बताए थे ना, विज्ञान एक बार में एक जगह पे रहता है, लेकिन हम लोगों को देखने में लगता है हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, शरीर पे स्पर्श मिलता है, सोचते भी, सब कुछ है ना। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि इतना इतना तेज है ये विज्ञान, इतना जल्दी जल्दी पलट के रहता है, आंख में कान पे नाक पे जीभ शरीर में हर जगह पलट रहता है, इसीलिए छह इंद्रिया में हमेशा पलट रहता है, इसीलिए हम लोगों को लगता है ये विज्ञान हर जगह पे एक ही बार है। देखिए ये बल्ब हमेशा जलते रहता है, लेकिन ये बल्ब बुझता है जलता है, बुझता है जलता है, क्यों? बिजली आते रहता है ना, बिजली हमेशा आते रहता है, आता है खत्म होता है, आता है खत्म होता है, ऐसे होता है ना बिजली, आता है खत्म होने के बाद बल्ब, लेकिन इतना जल्दी बुझता है जलता है, दिखाई नहीं देता है ना, देखने वाले लोगों को पता चलता ये बल्ब जलते रहता है, लेकिन असलियत क्या है? ये बुझता है जलता है। दिया भी वैसे ही है, दिया का तेल आता है इसीलिए जलता है, फिर बुझता है जलता है, लेकिन देखने में लगता है दिया हमेशा जलते रहता है, तेल आते रहता है ना इसीलिए जलता है। वैसे ही है ये, हम लोग रूप देखते समय सुन नहीं सकता है, और स्वाद लेते समय देख भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, स्पर्श लेते समय शरीर पे सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। इसके बाद खाना खाते समय स्वाद मिलता है ना, उस पे विज्ञान बैठ गया तो सुन देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं आता है, लेकिन हम लोगों को देखने में लगता है सब कुछ एक ही बार होता है। इतना तेज है ये मन, इतना तेज है, ऐसे करके भगवान बुद्ध बताए राहुल, इसी प्रकार ज्ञान की रास्ता पे जाने वाले आर्य श्रावक, आर्य शिष्य लोग, आर्य चेले लोग वैसा ही देखेंगे तो आग के बारे में सत्य समझकर जान से ही आग से अनासक्त होता है। वैसे ही अच्छा से देखेंगे तो कौन? भगवान बुद्ध के शिष्य लोग, चेले लोग ऐसा देखेंगे तो सत्य सत्य है ना ये, उसी प्रकार सत्य को देखेंगे तो आग से मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा मतलब कभी आग पे बंधन नहीं होगा, रूप देखिएगा लेकिन आसक्त नहीं, राग भी नहीं उत्पन्न होता है, गुस्सा भी नहीं, मोह भी नहीं, लेकिन रूप देखता है, क्यों? आग से अनासक्त हो गया, मुक्त हो गया। इसी प्रकार देखेंगे तो रूप रूप में भी अनासक्त होता है, इसका विज्ञान के बारे में भी अनासक्त होता है, आग का स्पर्श के बारे में भी अनासक्त होता है, आग का स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है ना वेदना,
पहचान और सोच विचार विज्ञान ये सब के बारे में भी अनासक्त होता है, मुक्त होता है। इसके बाद कान के बारे में सत्य जान गया तो कान से भी अनासक्त होता है, नाक से भी अनासक्त होता है, जीभ से भी अनासक्त होता है, शरीर से भी अनासक्त होता है, मन से भी अनासक्त होता है। इसके बाद कान से सुनने वाले आवाज से भी अनासक्त होता है। आवाज पे हम लोग बंधन हो जाएगा फिर नहीं, अनासक्त हो जाएगा। फिर जीभ में मिलने वाले रस पे आप लोग आसक्त हो जाएगा, हम लोग उस पे भी अनासक्त हो जाएगा। शरीर पे मिलने वाले स्पर्श से भी अनासक्त हो जाएगा, मन में आने वाले विचार से भी अनासक्त हो जाएगा। इसके बाद ये सब कुछ के बारे में अनासक्त होने के बाद वो सारी चीजों से मन मुक्त हो जाता है। मन मुक्त होने के बाद उनका मन में उत्पन्न होता है ज्ञान, ज्ञान उत्पन्न होता है, हम ये सब कुछ चीज से मुक्त हो गया है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जन्म खत्म हो गया, निर्वाण प्राप्त किया, जो करना है वो कर लिया, अब कुछ करना नहीं है, यानी कि सब कुछ चीज से मुक्त हो गया। हम लोगों को परेशान किया है, हम लोग आँख भी पकड़ लिया, इसीलिए आँख देखने वाले सब कुछ पकड़ते हैं हम लोग, कान भी पकड़ लिया इसीलिए सुनने वाले सब कुछ पकड़ते हैं, नाक पकड़ लिया नाक में आने वाले गंदा गंध सुगंध सब पकड़ते हैं, जीभ पकड़ लिया इसीलिए जीभ पे मिलने वाले सारे स्वाद पकड़ते हैं, शरीर पकड़ लिया शरीर पे मिलने वाले सारे दर्द पकड़ते हैं, मन पकड़ लिया मन में आने वाले सारे विचार को पकड़ते हैं, पकड़ के रोते हैं, गुस्सा करते हैं, खुश हो जाते हैं, दुख मिलता है, चिंता परेशान तकलीफ सब कुछ है। अगर ये छह इंद्रिया से मुक्त हो गया तो कुछ नहीं है, उनको कोई डांट दिया तब भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा लोगों को कोई आकर के हाथ पैर काट दिया तब भी दुख नहीं मिलता है, दर्द है लेकिन दर्द पे आ सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। वो समझ से भी अनित्य है। एक बंती जंगल में गया ध्यान करने के लिए, ध्यान करता है ध्यान होता नहीं है। बंती जी ने क्या किया, पैर को तोड़ दिया, मार के डांटा से मार के पैर तोड़ के पैर हटा दिया, दर्द मिलता है ना, उसी दर्द के बारे में मनन करके करके ज्ञान प्राप्त किया। देखिए ऐसा हिम्मत, क्योंकि वो बंती जी को दर्द के बारे में ध्यान कर सकता है जल्द, इसीलिए तो ये उपदेश देने के बाद राहुल बंती जी खुशी मन से उपदेश को स्वीकार किया। स्वीकार ये उपदेश सुनने के बाद राहुल बंती जी अरहत प्राप्त किया, सारे चीजों से राहुल बंती जी मुक्त हो गया, निर्वाण प्राप्त किया। हजारों हजार देवता आए थे ना, सारे देवता मुक्ति प्राप्त किया है, ये सोतापन मुक्ति प्राप्त किया सारे देवताओं। देखिए हजारों हजार देवता मनुष्य लोक में कितना मुक्ति प्राप्त किया, एक देवलोक से हजारों हजार देवताओं आके मुक्ति प्राप्त किया। ये लोग चिल्लाता है वो भगवान ये भगवान वो भगवान कह के, लेकिन देवलोक में जा सकता है सिर्फ भगवान बुद्धि के रास्ते पे जाने वाले लोगों को, बाकी लोग को नहीं। इसीलिए देवलोक में रहने वाले सारे देवता कहीं ज्ञान सुनाई दे दिया तो आता है सुनने के लिए, चलो वहां पे भगवान बुद्धि की ज्ञान सुनाई देता है, चलो सुनने के लिए आसमान से आके सुनता है। इसीलिए हम लोग भी कोशिश करना चाहिए कौन सा चीज से मुक्त होने के लिए, आंख से कान से
नाक से, जीभ से, शरीर से, मन से, छह इंद्रिय से, और रूप से, शब्द से, गंध से, रस से, स्पर्श से और विचार से मुक्त होने के लिए कोशिश करना चाहिए। ऐसे कोशिश कैसे करना पड़ेगा? इसी प्रकार सोचना चाहिए। अभी हम लोग सोचे ना, ये अनित्य है, ये अनित्य है, दुख है, ये सब कुछ मेरा वास में नहीं कर सकता है। कम से कम अनित्य समझ लीजिए, सब अनित्य है, कुछ भी सदाकालिक नहीं है। ऐसे करके छोड़ना चाहिए, आप लोग घर छोड़ना चाहिए। कैसे? मन से। घर पे रहना चाहिए, काम करता है, लेकिन आप लोग जानते हैं ऐसे आप लोग का अपना पातिनी बाल बच्चा साथ रहता है, प्यार भी करता है, लेकिन उन लोग अगर मर गया तो आप लोग कोई दुख नहीं है। क्यों? आप लोग का मन में उन लोग के प्रति आसक्त नहीं है। अभी नहीं, मतलब ऐसे हो गया तो, अभी कुछ हो गया तो बहुत रोना पड़ेगा, दुख मिलता है। देखिए कितना अच्छा है ना, कोई आपको आकर के गाली दिया, गाली देने के बाद उसी आप कान में भी आ सकते नहीं, आवाज भी पकड़ता नहीं। जितना गाली देता है देता है देता है सुबह से रात तक, कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ आवाज है मुक्त होने के बाद। इसीलिए समझना चाहिए, अनित्य है सब, सब अनित्य है। आज तक आप लोग अपना जीवन में कितना डांट सुना, कितना अच्छा सुना, कितना सारा सुख मिला, कितना दुख मिला, कितना मेहनत किया, कितना पैदल घुमा है, कितना दूर घूम लिया, कम से कम लाखों किलोमीटर से ज्यादा घूम लिया है। सब कुछ क्या हो गया? अनित्य हो गया, खत्म, कुछ भी बचा नहीं, सिर्फ याद रहता है ऐसे हुआ करके, बाकी कुछ नहीं है। और आप लोग का, आप लोग जवान समय में घर द्वार बनाया ना, अभी घर भी पुराना है, वो आप लोग का बच्चा लोग फिर नया घर बनाएगा, वो तोड़ के उन लोग का बच्चा लोग उसको तोड़ के फिर नया घर बनाएगा। आप लोग के बारे में कोई नहीं सोचेगा, आप लोग का नाम कोई नहीं लेगा घर द्वार में, मार के आप लोग का बच्चा लोग ले लेगा, मेरा पापा मर गया है, अच्छा आदमी था। फिर आप लोग का बेटा का बेटा लोग नहीं लेगा ना, उन लोग का जमाना में अलग। इसीलिए हम लोग छोटा समय के लिए इस धरती पे आया, सिर्फ खमा उमा खमा के कापी के रहने पर कुछ नहीं होता है। ये ज्ञान को समझना चाहिए, यही ज्ञान को समझ लिया तो, समझ लेंगे तो हम लोग इसी जीवन में मेहनत करते हैं मुक्त होने के लिए। इसी जीवन में मेहनत नहीं कर पाएगा तो फिर मरने के बाद देवताओं के पास जाके मेहनत करेंगे। देखिए कितना सारा देवताओं आ गया ज्ञान सुनने के लिए, हम लोग भी आएंगे। आप लोग भी देवताओं के पास मरने के बाद गया तो आश्रम में आइए, आएंगे जरूर। हम कैसे देवताओं के पास आया सोचेंगे आप लोग, जाके उधर बोध गया में एक जगह से ज्ञान मिला, उसी के चलते हम पाप छोड़ दिया, चलेंगे हम रोज चलेंगे ज्ञान सुनने के लिए। फिर आप लोग कभी इधर ज्ञान बता दिया तो पता चलता है, फिर आप लोग दूसरा देवताओं को बुला के आएंगे सुनने के लिए, सुन के आप लोग चल जाएंगे, हम लोग को दिखाई नहीं देगा। इसीलिए मेहनत करना चाहिए इसी जीवन में ये ज्ञान को समझने के लिए। इसीलिए आप सभी लोगों को ये पवित्र ज्ञान समझ के सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए। साथ।